हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पद्मनाभ शर्मा और आज हम इस वीडियो में कंसेंट और फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 और 14 में डिफाइन करी गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंसेंट अगर नहीं होती है तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है। अगर कंसेंट नहीं है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनता है। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए पर्सन बी से बोलता है कि पर्सन बी, क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपीज़ में ख़रीदोगे? तो यहाँ पर पर्सन बी ने बोला, पर्सन ए ने पर्सन बी से बोला, क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपीज़ में ख़रीदोगे? तो यहाँ पर पर्सन बी ने बोला कि हाँ बिल्कुल मैं ख़रीदूँगा। तो ये जो हाँ उसने करा, इसी को ही हम कंसेंट कहते हैं, इसी को ही हम कंसेंट कहते हैं। अगर ये हाँ नहीं करता तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, मतलब अपनी कंसेंट नहीं देता तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि अगर कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है। चलिए, तो अब इसको हम डेफिनेशन से समझते हैं, जो कि हमारे सेक्शन 13 में बताई गई है। व्हेन टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस फॉर एग, मतलब कि कंसेंट बनने के लिए दोनों जने सेम चीज़ पे और सेम सेंस पर सोचना चाहिए, तभी वहाँ पर कंसेंट मानी जाएगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब पर्सन ए पर्सन बी को बोलता है कि पर्सन बी, क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपीज़ में ख़रीदोगे? तो यहाँ पर पर्सन बी बोलता है, पर्सन ए बोलता है कि क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपीज़ में ख़रीदोगे? अब एक ट्विस्ट लेते हैं हम एक एग्ज़ाम्पल में। पर्सन ए के पास, मान लीजिए, समझ लीजिए कि पर्सन ए के पास दो बाइक है, एक CBZ है और एक KTM है। ठीक, अब इसके पास दो बाइक है। पर्सन ए पर्सन बी से बोलता है, क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपीज़ में ख़रीदोगे? पर्सन ए यहाँ पर CBZ बेचना चाह रहा है इस बी को। पर्सन ए पर्सन बी को CBZ बेचना चाह रहा है और पर्सन बी को क्या लग रहा है कि वो KTM बेच रहा है। और पर्सन बी ने यहाँ हामी भी दे दी, हाँ बिल्कुल मैं तेरी बाइक ख़रीदूँगा, बट पर्सन ए तो CBZ बेचना चाह रहा है और पर्सन बी के मन में तो KTM चल रही है, KTM के लिए हाँ करा। तो यहाँ पर ये जो कंसेंट हुई, इस कंसेंट भी, ये कंसेंट भी कंसेंट नहीं मानेगी, क्योंकि ये यही बता रहा है कि दे कंसेंट जब होना चाहिए कि आपस में दोनों जो है दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दोनों के माइंड अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे तो वो CBZ बेचना चाह रहा है, ये KTM के लिए हाँ कर रहे हैं, ये KTM लेना चाह रहा है, दोनों के माइंड अलग है, दोनों की जो भी चीज़ें जो बेच रहे हैं दोनों के सेंस अलग अलग चल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अगर ये बोलता है कि पर्सन ए पर्सन बी जो है, पर्सन ए बोलता है कि क्या तुम मेरी बाइक ख़रीदोगे, अब पर्सन बी के पास सिर्फ CBZ ही है तो ये CBZ ही बेचना चाह रहा है और ये CBZ ही खरीदना चाह रहा है, तो ये कंसेंट मानी जाएगी कि हाँ बिल्कुल दोनों, क्योंकि दोनों के माइंड एक ही जैसे हैं, दोनों सेम सेंस में बात कर रहे हैं, दे एग्री अपॉन द सेम थिंग सेम सेंस। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CBZ, वो CBZ बेचना चाह रहा है, ये KTM लेना चाह रहा है, दोनों की थिंकिंग अलग अलग है, दोनों की थिंग्स और सेम सेंस दोनों अलग अलग है, तो ये कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ये इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कंसेंट बनने के लिए दोनों जने सेम चीज़ पे सेम सेंस पर सोचना चाहिए, तभी वहाँ पर कंसेंट मानी जाएगी। ये इस डेफिनेशन में बताई, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं सेक्शन 14, जो कि फ्री कंसेंट के बारे में बता रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर कंसेंट हुई तो कंसेंट फ्री होना भी ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कोई आपको प्रेशराइज़ करके कोई कंसेंट ले रहा हो, डरा धमका कर आपसे कोई कंसेंट ले रहा हो, इसलिए जो है कंसेंट फ्री होना भी ज़रूरी है। इसको समझते हैं, जो कि हमारे सेक्शन 14 में बताया गया है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय, कंसेंट जब फ्री कहलाएगी जब इन सब चीज़ों से वो कॉज्ड अफेक्टेड नहीं होगी। कौन कौन सी चीज़ें? कर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। इन सब चीज़ों से, इन पाँचों चीज़ों से अगर कंसेंट अफेक्टेड है तो वहाँ पर मान लिया जाएगा कि वो कंसेंट फ्री नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें? कॉर्शन हुई, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। तो अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। क्या समझा हमने? कंसेंट को समझा, अभी कंसेंट क्या होता है, कंसेंट फ्री भी होना ज़रूरी है और वो फ्री कब होगी? जब इन सब चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होगी। कौन कौन सी चीज़? कॉर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। इन सब चीज़ों से अगर अफेक्टेड नहीं है तो वहाँ पर मान लिया जाएगा कंसेंट फ्री है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉर्शन की। तो कर्शन क्या होता है? कोई आपसे डरा धमका कर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, आपको कोई प्रेशराइज करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, आपसे कोई कंसेंट डरा धमका कर कंसेंट ले रहा है, तो इसी को हम कर्शन बोलते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो हमारे बैरेक्ट में सेक्शन 15 में डिफाइन करी गई है।
इस डेफिनेशन को हमने थोड़ा ब्रेक कर करके पॉइंट वाइज में लिखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय कर्शन व्हेन इट इज़ कॉज्ड बाय आइदर बाय द फॉरेन रूल। इन सब चीज़ों से अगर वो कॉज्ड है कंसेंट, तभी वहाँ पर मान लिया जाएगा कि वो जो कंसेंट है कर्शन से अफेक्टेड है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। कमिटिंग मतलब कुछ करना और थ्रेटनिंग टू कमिट मतलब करने की धमकी देना, जो कि हमारे आईपीसी से फॉरबिडन है, आईपीसी से फॉरबिडन है, वर्जित है। तो इन सब ये जो है, किसी को आप डरा धमका कर आप किसी से कंसेंट ले रहे हैं, आप किसी को डरा धमका कर कंसेंट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, कोई आपकी प्रॉपर्टी को आपको कोई डरा धमका रहा है कि जो तेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 1 लाख में बेच, तो यहाँ पर आपको कंसेंट जो है अफेक्टेड है, कॉर्शन से अफेक्टेड है। कोई डरा धमका कर प्रेशराइज करके आपको डराने को, डरा के जो आपसे कंसेंट ले रहा है, इसी को ही हम कॉर्शन कहते हैं। तो वहाँ पर मान लिया जाएगा ये कॉर्शन से अफेक्टेड है, ये कंसेंट फ्री नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, यानी कि डिटेनिंग मतलब जब्त करना, यानी कि अनलॉफुल तरीके से कुछ चीज़ें जब्त करना, या फिर थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी यानी कि जब्त करने की धमकी देना कि जो है मैं तेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल लिया हमने कि जो तेरी प्रॉपर्टी है, ये अगर तूने अगर ऐसा नहीं करा तो मैं तेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लूँगा, अगर तूने ऐसा नहीं करा, ऐसे डरा धमका कर आपकी प्रॉपर्टी जब्त करना, तो ये भी जो इस तरीके से कंसेंट लेना, तो ये भी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी, ये कॉर्शन से अफेक्टेड मानी जाएगी। तीसरा ये कि टू द प्रेजुडाइज ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर, यानी कि टू द प्रेजुडाइज ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर, यानी कि यानी कि जैसे कि पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। पर्सन ए इसको डरा धमका कर पर्सन बी को बोल रहा है, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल लेते हैं कि पर्सन बी की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पर्सन ए बोल रहा है कि तेरी प्रॉपर्टी 1 लाख में बेच, तो इसको डरा धमका कर, मान लीजिए इसके सर पर बंदूक रख के इसको डरा रहा है कि बिल्कुल कि जो तेरी प्रॉपर्टी है वो इतने में बेच, गलत तरीके से कंसेंट ले रहा है, डरा धमका कर कंसेंट ले रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बी को ही डराए धमकाए, बी का कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है या और कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, उसको भी डरा के इससे कंसेंट ली जा सकती है। आप पिक्चरों में देखते ही हैं, कोई किसी का दोस्त वगैरह रहता है, कोई उसके रिलेटिव या उसके जो भी रहते हैं उनको किडनैप कर लेते हैं या कुछ भी, उनको डरा धमकाते हैं, उनके सर पर बंदूक रख देते हैं कि, और आपको बोलते हैं कि देख ये जो है हमारी गिरफ्त में है, इसको तू ये कर दे, नहीं तो हम इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसे डरा धमका करके आपसे कंसेंट लेना, इसको भी हम क्वेश्चन मानेंगे। तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उन दोनों के बीच में ही जो डराया धमकाया जा सकता है, दूसरे स्ट्रेंजर को भी डरा धमका कर आपसे कंसेंट ली जा सकती है, यही बता रहा है। फोर्थ ये कि विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तो ये इनका इंटेंशन ही ये रहता है कि आपको इस कंसेंट आप लो और आप इस एग्रीमेंट में एंटर करो और हमसे कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ऐसे जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल हो जाते हैं, क्योंकि कंसेंट जो है आपकी कर्शन से अफेक्टेड है। तो ये कर्शन का मतलब था, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन, ये भी हमारे इस डेफिनेशन का ही पार्ट है कि इट इज़ इमटेरियल वेदर द आईपीसी इज़ देयर और इज़ नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कर्शन इज़ एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते कि मान लीजिए आप इस जगह, आप मान लीजिए जहाँ आईपीसी लागू नहीं होता, हमारा इंडियन पिनल कोड जैसे, मान लीजिए इंडिया के बाहर हमारा आईपीसी लागू नहीं होता है, अगर वहाँ पर आपसे ऐसा कुछ डरा धमका कर आपसी कंसेंट ली जा रही है, मतलब जहाँ वहाँ पर कर्शन हो रहा है आपके साथ, वहाँ पर कर्शन मान रहे हैं आपसे कंसेंट जो है कर्शन से अफेक्टेड है, आपसे गलत डरा धमका कर आपसे कुछ करवाया जा रहा है, कंसेंट ली जा रही है, तो वहाँ पर भी ये इमटेरियल है। हम ये वहाँ ये नहीं मानेंगे कि वहाँ पर आईपीसी लागू होता है या नहीं, वहाँ पर मान लिया जाएगा कि ये कर्शन जो कंसेंट ली है आपसे, ये कर्शन से अफेक्टेड है, वहाँ पर ये इमटेरियल है, ये इमटेरियल रहता है। हम ये वहाँ ये नहीं देखते कि वहाँ पर आईपीसी लागू होगा या नहीं, आपसे कंसेंट अगर इस तरीके से ली है तो ये मान लिया जाएगा कि वो कर्शन से अफेक्टेड है। ऐसा वहाँ यह नहीं देखा जाएगा कि वहाँ पर आईपीसी लागू होता है, एप्लीकेबल होता है या नहीं, ठीक है। तो इट इज़ इमटेरियल है, ठीक। तो इतना था हमारी कर्शन। आई होप आपको कर्शन का मतलब समझ में आया होगा। क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? कर्शन क्या होता है,
कि कुछ डरा धमका कर आपसे कुछ कंसेंट लेना, आप उस कंसेंट देने में राजी नहीं हो, बट फिर भी आपको डराया धमका कर जाके आपसे कंसेंट ली जा रही है, आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर रहे हैं डरा धमका कर कि आपने अगर ऐसा नहीं करा तो हम तेरी प्रॉपर्टी में ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इसको गिरफ्त में ले लेंगे। ऐसा जो कंसेंट लेते हैं वो कर्शन से अफेक्टेड है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जो पार्टीज़ रहती है दो, उन दोनों के बीच में ही ये सब हो सकता है। तीसरे पर्सन को, थर्ड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है, उसको भी डराया धमका कर आपसे कंसेंट ली जा सकती है। और उनका इंटेंशन यही रहता है कि आप कंसेंट दें और इस एग्रीमेंट में एंटर करें, वो यही रहता है उनका उद्देश्य, इंटेंशन यही रहता है। और एक्सप्लेनेशन में हमने ये पढ़ा, ये हमारे बैर एक्ट में ही लिखा है, ये हमारे डेफिनेशन का ही पार्ट है कि ये इमटेरियल है। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आईपीसी लागू होगा वहीं पर ये माना जाएगा, जहाँ आईपीसी नहीं लागू होगा अगर वहाँ पर भी आपके साथ ऐसी चीज़ होती है, डराया धमका कर आपसे कंसेंट ली जाती है, तो वहाँ पर मान लिया जाएगा कि वो भी कर्शन से अफेक्टेड है। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा, वो इमटेरियल होगा, वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि वहाँ पर एप्लीकेबल है कि नहीं, आईपीसी एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। आपसे अगर कंसेंट इस तरह से ली डरा धमका कर तो मान लिया जाएगा कि वो कंसेंट कर्शन से अफेक्टेड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये इतनी हमने बात करी कर्शन की। अब बात करते हैं हम अनडू इन्फ्लुएंस, जो कि हमारे सेक्शन 16 में बताया गया है। नाउ फॉर द कंसेंट टू बी अफेक्टेड बाय अनडू इन्फ्लुएंस टू थिंग्स हैव टू बी प्रूव्ड। कंसेंट जो है हमारे अनडू इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड होने के लिए दो चीज़ हमें प्रूव करना पड़ेगी। क्या प्रूव करना पड़ेगी? पहली ये कि द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं को प्रभावित कर सकता है और उसके उस पर हावी हो सकता है, मतलब एक डोमिनेंट पोजिशन पर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके आपके फादर हैं और आप हो, आप ठीक है, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में पेरेंट जो है एक डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन तो आप समझते होंगे, डोमिनेंट मतलब किसी, आप हक जताते हो कि आप, मतलब जैसे आपके फादर होंगे वो जो बोलेंगे आप करोगे, क्योंकि वो डोमिनेंट पोजीशन में, पूरी फैमिली में डोमिनेंट पोजीशन पे। जो आपके पिताजी करें बोलेंगे वो सब पूरी फैमिली करती है, आप पूरे सब करते हो, तो वो डोमिनेंट पोजीशन पे, वो जो करेंगे आप, आपकी भले ही इच्छा नहीं है बट वो जो बोलेंगे आप वो करोगे। तो एक ये एग्जाम्पल दिया मैंने कि डोमिनेंट पोजीशन पर क्या होता है। डोमिनेंट पोजीशन, आई होप आपको डोमिनेंट मतलब समझ में आया होगा कौन सी पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो यही कह रहा है ये पॉइंट में कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं को प्रभावित कर सकता है और उस पर हावी हो सकता है। और दूसरा ये, एंड और सच पर्सन यूजेस हिज डोमिनेंट पोजिशन टू ऑप्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर। और वो अगर डोमिनेंट पोजिशन पर रहता है तो ये आपसे, आप पर हावी होता है, आपकी इच्छाओं पर प्रभाव डालता है, हावी होता है, और इसी के कारण वो डोमिनेंट पोजीशन पर रहता है, और इसी के कारण वो आपसे कुछ अनफेयर एडवांटेज उठा लेता है, अनफेयर एडवांटेज गेन कर लेता है, तभी वहाँ पर मान लिया जाएगा कि ये जो है अनडू इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड है। इतनी बात समझ में आई? क्या पढ़ा हमने अनडू इन्फ्लुएंस में कि कंसेंट, अगर अनडू इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड होने के लिए दो चीज़ हमको प्रूव करना पड़ेगी। पहली ये कि वो जो है डोमिनेंट पोजीशन, दो दो चीज़ प्रूव होना चाहिए कि वो डोमिनेंट पोजीशन पे है, आप वो जो बोलेंगे आपको करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर वो डोमिनेंट पोजीशन पे है और आपकी इच्छाओं पर प्रभाव डालते हैं, आपकी इच्छाओं पर हावी पहुँचाते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए वो इस, अगर वो डोमिनेंट पोजीशन पे तो आपसे वो कोई अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं, तो वहाँ पर मान लिया जाता है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड है। अब इसको हम ये देखते हैं, इतनी बात समझ में आई? ये होता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं कि व्हेन विल अ पर्सन बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। कि पर्सन वो पोजीशन पर, जो डोमिनेंट पोजीशन है वो कब रहेगा? कि जब वो अब दूसरे को प्रभावित करे या उस पर हावी होए, ठीक है, डोमिनेंट पोजीशन पर कब रहेगा, है ना। तो अब इसमें बात करते हैं, सेक्शन 16 के क्लॉज 2 में बताया गया है कि व्हेन ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, अब अथॉरिटी लिखना भूल गया मैं, सॉरी, अपेरेंट, व्हेन ही होल्ड्स अ रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब अधिकार, है ना, व्हेन ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। रियल अथॉरिटी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन, ठीक है, मास्टर जो आपको बोलेगा, आपका, आप सर्वेंट हो, आपको करना पड़ेगा जो वो बोलेंगे, वो करना पड़ेगा। अगर वो बोलेंगे ये कर तो आप वो बिल्कुल आप करोगे, भले ही आपकी इच्छा नहीं हो आप वो करोगे, क्योंकि आपका माइंड, वो मास्टर है, वो डोमिनेंट पोजीशन पे, जो वो बोलेगा आप करोगे। इसको कहते हैं रियल अथॉरिटी, एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया। और अपेरेंट अथॉरिटी क्या होता है? देखो, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल होगा, आप आपके फ्रेंड्स के साथ बाइक पर जा रहे हो, ट्रिपलिंग कर रहे हो आप, ठीक है, अब सामने एक पुलिस खड़ी है, पुलिस खड़ी है और आप ट्रिपलिंग कर रहे हो, ट्रिपलिंग करना तो मना है,
तो आप उस पुलिस को देख के, जो वो सिग्नल पे खड़ा हुआ उसको देख के आप पलट गए, मतलब आप समझ गए कि वो पुलिस वाला खड़ा है। मतलब अपेरेंट अथॉरिटी क्या होता है, देखते से ही समझ में आ जाता है, देखते से ही पता चल जाता है कि सामने क्या है। मतलब पुलिस वाला खड़ा है, आप जा रहे थे ट्रिपलिंग कर रहे, तो आप उसको देखते से ही, अब उसको ये नहीं करना पड़ा, वो डोमिनेंट पोजिशन पे है वो। बट अपेरेंट अथॉरिटी यही होता है कि देखते से ही समझ में आ जाता है। आप अगर ट्रिपलिंग कर रहे हैं तो आप उसको देखते से ही आपका रास्ता पलट लेंगे, ठीक है, आप रास्ता पलट लेंगे, नहीं तो पेनल्टी कट जाएगी। तो आप देखते से ही समझ गए कि इसलिए तो आपने आपका रास्ता चेंज कर लिया, तो देखते से ही आप समझ गए कि वो डोमिनेंट पोजिशन पे है। आपको ये नहीं बताना, उसको बोलना नहीं पड़ा कि आपको ऐसा करना ऐसा, आपने उसको दूर से देख लिया, तो आप देखते से ही समझ जाते हैं कि वो पुलिस वाला है, हमको ये करना पड़ेगा, ये हमको नियम निभाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा। तो वो उसको कहते हैं हम अपेरेंट अथॉरिटी। तो व्हेन ही होल्ड्स अ रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, इसको कहते हैं हम। दूसरा ये फिड्यूशियरी रिलेशन, फिड्यूशियरी रिलेशन, व्हेन ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन। फिड्यूशियरी रिलेशन क्या होता है, भरोसे और विश्वास का संबंध, भरोसे का संबंध। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट और, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट और उसके लॉयर और क्लाइंट के बीच में जो होता है, डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में जो होता है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में होता है, डॉक्टर एंड पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास गए, आपकी तबीयत ख़राब है, आप पेशेंट हैं, आप डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर डोमिनेंट पोजीशन पे है, डॉक्टर पे आपको पूरा विश्वास है कि वो जो हमको मेडिसिन देगा वो हम पे हमको सूट करेगी, या वो जो करेगा, वो जो भी मेडिसिन देगा वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आप वो डोमिनेंट पोजीशन पे, आपको उस पर पूरा भरोसा है कि वो जो देगा हम बिल्कुल उसको करेंगे, निभाएंगे, है ना, तो आपको उस पर पूरा भरोसा है। अगर वो डॉक्टर आपसे, आपको तो पूरा भरोसा है, बट उसी उसी दौरान अगर डॉक्टर आपसे कुछ अनफेयर एडवांटेज उठा ले, तो वहाँ पर वो मान लिया जाएगा कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड है कुछ। अगर आपकी कंसेंट ले ले, क्योंकि आप, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ, पेरेंट्स और चिल्ड्रन का एग्जांपल, आपके पापा ने किसी चीज़ पर आपसे साइन करवा ली कि बेटा साइन कर ले, ये है वो है, आप समझ रहे हो कि हाँ आपके पापा है, आप कुछ कर तो गलत तो नहीं कर रहे होंगे, बट आपसे कुछ अनफेयर एडवांटेज ले लिया, आपसे, आपको बिना बताए आपसे कुछ करवा लिया, आपको पूरा भरोसा था, बट आपसे कुछ जानबूझकर आपसे कुछ करवा लिया, अनफेयर एडवांटेज उठा लिया, तो वो मान लिया जाएगा वहाँ पर कंसेंट से वो एंडो इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड है। तो इसको, ये होता है फिड्यूशियरी रिलेशन। फिर तीसरा ये कि व्हेन ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटीज टेम्पररीली और परमानेंटली अफेक्टेड ड्यू टू एज और इलनेस एक्सेट्रा। तीसरा ये कि अगर कोई जिस जो दिमाग से थोड़ा वो है, एजेड पर्सन है, कोई बुजुर्ग है जिनकी मेंटल कैपेसिटी लो है, जो जिनकी मतलब इलनेस के कारण, किसी की तबीयत ख़राब होने के कारण उनके दिमाग पर असर है, और मतलब एज के कारण जो बुजुर्ग है, कोई एजेड पर्सन है, अगर उनसे भी आप अगर इस तरीके से अगर कंसेंट लेते हैं, तो वहाँ पर भी मान लिया जाएगा कि वो अनडू इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड है, ठीक है। तो इतना था हमारे वीडियो में, हमने अनडू इन्फ्लुएंस और कर्शन पे बात करी, अभी दो 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 पे ही बात करी हमने, इसके बाद हम फ्रॉड पर बात करेंगे, मिस्टेक पर, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये जो हमारे तीनों बचे हैं ये हम हमारी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी हमने वीडियो में इतना पढ़ा है कि कर्शन क्या होता है, अंडू इन्फ्लुएंस क्या होता है, कंसेंट को समझा, फ्री कंसेंट कब होती है ये हमने देखा, आगे के जो पार्ट हैं फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सब हम, मिस्टेक हुआ, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, ओके, थैंक यू।